आधुनिकता के इस दौर में भी लोग बैलगाड़ी की सवारी करना नहीं भूले हैं। मामला राजनाथ गांव का है, जहां शादी में दूल्हा बैलगाड़ी से बारात लेकर पहुंचा। खास बात यह है कि दूल्हा अमेरिका में जॉब करता है। बताया जा रहा है कि नक्सली हमले में शहीद हुए पूर्णानंद की इच्छा थी कि उनकी बहन की शादी छत्तीसगढ़ी रीति रिवाज से हो, जिसको देखते हुए बहन के आमंत्रण पर दूल्हे पक्ष ने बैलगाड़ी से बारात निकाली। अमेरिका में जॉब करने के बाद भी आधुनिकता के समय में एक दूल्हा बैलगाड़ी से बारात लेकर पहुंचा। मामला राजनांदगांव के ग्राम जंगलपुर का है। जंगलपुर में शहीद पूर्णानंद साहू के बहन की शादी में दूल्हा बैलगाड़ी से बारात लेकर पहुंचा, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बन गया। पुराने जमाने की परंपरा अनुसार 11 बैलगाड़ी के साथ बाराती शादी में पहुंचे और डोंगरगांव मेन रोड में जब बैलगाड़ी से बारात चलने लगी तो कौतूहल का विषय बन गया। गांव पहुंचने पर देखने वालों की भीड़ लग गई। गौरतलब है कि हाल ही नक्सल विस्फोट में शहीद हुए दुल्हन के भाई पूर्णानंद साहू की इच्छा थी कि उनके यहां बारात पुराने परिवेश के तहत छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार बैलगाड़ी में आए, लेकिन शहीद पूर्णानंद की इच्छा अधूरी रह गई थी, जिसे आज शहीद की बहन ने अपने घर दूल्हे और बारातियों को बैलगाड़ी में विवाह हेतु आमंत्रित किया और अपने शहीद भाई को श्रद्धांजलि दी। पूर्णानंद साहू जो शहीद हुए हैं, उनका ख्वाहिश था कि मैं भी शादी करूंगा तो बैलगाड़ी से ही बारात जाऊंगा और बारात गाड़ी को सजा करके जाऊंगा और पुराने जो अपना पीढ़ी का जो रीति रिवाज है उसको मैं पूर्ण करके दिखाऊंगा, अपना छत्तीसगढ़ का जो सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है उसको उजागर करूंगा। इसका मन में अभिलाषा था और अब क्या करें, अब वो शहीद हो गया बेचारा, लेकिन उसका बहन का शादी में जो बारात आया था वो मतलब बढ़िया बैलगाड़ी सजा करके आए थे, लोगों का मजमा लगा हुआ था बैलगाड़ी को देखने के लिए। आजकल तो ऐसा हो गया कि शहर में तो नहीं लेकिन देहात में भी पुराना जो बैलगाड़ी है नदारत हो गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।